और कई ऐसे फुटेज मिले जिसका आप लोगों ने भी अपने चैनल्स में दिखाया है कि किस प्रकार एक पर्टिकुलर पोशाक पहन के हत्यारे आए और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। दोनों पुलिस, गुजरात पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के आपसी समन्वय बहुत ही स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन रहा और दोनों की संयुक्त टीम ने, एक ज्वाइंट टीम ने, हम लोगों ने तीन व्यक्तियों को, तीन अपराधियों को हिरासत में लिया है और उनसे बहुत ही सघन पूछताछ की जा रही है। जो तीन संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनको हम लोगों ने हिरासत में लिया है और गुजरात में अभी वो पूछताछ के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, उनमें एक मौलाना मोहसिन शेख सलीम हैं जो सूरत के रहने वाले हैं, वो 24 वर्ष का आदमी है। ये साड़ी की दुकान पे काम करता है सूरत में। एक दूसरा व्यक्ति जिसको हमने पुलिस हिरासत में लिया है उसका नाम फैजान है, वो भी चिलानी अपार्टमेंट सूरत का रहने वाला है और वहां सूरत में एक जूते के दुकान पर काम करता है, उसकी उम्र 21 वर्ष है। और तीसरा जिसको हमने पुलिस हिरासत में लिया है वो रशीद अहमद खुर्शीद अहमद पठान। फॉर अ वेरी इंटेंसिव इंटरोगेशन और उसके बाद हम उन्हें रिमांड में लेकर, अगर हमें जरूरत हुई तो रिमांड में लेकर हमें उत्तर प्रदेश लाएंगे और उनसे और भी पूछताछ करेंगे। एक चीज मैं यहां बता दूं कि जो FIR दर्ज हुआ है उस FIR दर्ज में षड्यंत्रकारी के रूप में दो व्यक्तियों को नामजद किया गया है। उनके नाम हैं मौलाना अनवारुल हक और मुफ्ती नईम काजमी। रात ही में हमारी टीम ने इन दोनों को भी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हम इन दोनों जगहों को, गुजरात, बिजनौर, लखनऊ और अन्य जो भी जगह प्रकाश में आएंगे, उन सबों का एक व्यापक विश्लेषण करने जा रहे हैं और क्रॉस क्वेश्चनिंग के आधार पर हम ये देखेंगे कि हमारी विवेचना में ठोस और क्या क्या एविडेंस मिलते हैं जिसके आधार पर हम इस हत्या को पूरी तरह अनावरित कर सकें। जो अभी प्रारंभिक जो हमें जानकारी मिली है पूछताछ से, उसमें ये मिली है कि रशीद पठान जो कंप्यूटर का जानकार है और साथ ही साथ टेलर का काम करता है, उसी ने ये इनिशियल प्लान बनाया था और इसको एक बहुत ही इनकरेज करने की चीज़, या उसको ये कह सकते हैं कि उसको अंदर से एक प्रोपेलर के रूप में काम करने का काम मौलाना मोहसिन शेख सलीम ने किया। उसी ने 2015 के जो बयान थे मृतक के, जिसमें उन्होंने कुछ कुछ
ऑब्जेक्शनेबल चीज कहा था जो वीडियो में भी वायरल हुआ, उसके बाद मौलाना ने ये कहा कि ये वाजिबदार कत्ल होना चाहिए और इसे मारने की जरूरत है, और उसी के आधार पे उसे भी पूछताछ की जा रही है। फैजान जिसे हमने पुलिस हिरासत में लिया है, जो अभी हमारी कस्टडी में है और पूछताछ की जा रही है, वो मिठाई की दुकान में मिठाई खरीदने में शामिल रहा है और उससे भी हम सघन पूछताछ कर रहे हैं ताकि हमारे बचे हुए जो संदिग्ध अपराधी हैं उनकी तरफ हम बढ़ सकें। तो कुल मिलाकर पूरी स्टोरी यही है कि विवेचना जो है इस बात को इंगित करता है कि ये पांचों छह व्यक्ति जो हैं वो सम्मिलित रहे हैं। बिजनौर का भी कनेक्शन हम उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं और उसके आधार पर ही हम कार्रवाई करेंगे। जो दो व्यक्तियों को हमने अभी फिलहाल इंटरोगेशन के बाद छोड़ दिया है, उसमें एक राशिद का भाई है और दूसरा एक गौरव तिवारी है जो सूरत का रहने वाला है। इस गौरव तिवारी ने मृतक को कुछ दिनों पहले मोबाइल से कॉल किया था और कॉल करने के बाद इच्छा जाहिर की थी कि हम आपके संस्था में यानी हिंदू समाज पार्टी में शामिल होकर सूरत और अन्य जगहों पर काम करना चाहते हैं और इसकी जिम्मेवारी मुझे दी जाए। इस पर क्या वार्ता हुई उसका कंक्लूसिव कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन हम इन दोनों व्यक्तियों पर भी, इन दोनों संदिग्ध अपराधियों पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार ये 24 घंटे के अंदर हमारी टीम ने और ज्वाइंट एक ज्वाइंट ऑपरेशंस में जिसमें गुजरात एटीएस की हमें बहुत सहायता मिली है और अभी भी हम उनके साथ संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। इतनी दूर का कनेक्शन मिलने के बावजूद अभी तक इसका किसी खास आतंकवादी संगठन से कोई संबंध नहीं पाया गया है।